आज भाई गेंद को हाथों में फील्ड करो। सबसे अनुभवी अगर टीम में खेलना है तो वो है सरफराज। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्ती गेंदबाजी करा रहे सारू अगली गेंद सारू की सामना करेंगे ना बेद और ये लेग साइड की तरफ खेलना चाहते थे पर बीट हुए एम्पायर का इशारा वाइड। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 99। हैदराबाद में गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ सीएन और 105 रन टीम का स्कोर। सारू बहुत ही घातक बॉलिंग करा रहे हैं अपनी टीम के लिए। अगली गेंद सारू की सामना करेंगे नाबे और ये एक रन के लिए आसानी से खेल दिया। वहां पर फील्डर मौजूद है सरफराज सैफी जो कुछ नहीं कर पा रहे अपनी टीम के लिए आज। अतः ये सरफराज सैफी ये फील्डिंग कर गया पागलों की दुकान। मैं होता तो यहाँ तो कुछ और ही हो रहा होता। यूट्यूब पर डालेगी वीडियो यूट्यूब पे। जब तक मैं हूँ ऐसे दब रहेगा अर्थात। यूट्यूब पे बोलो ओहो ये खेल गया सीधा हवा में गेंद जाता हुई वहां पर फील्डर है अकरम सही गेंद हो रहा है आखिर गेंद पर फील्ड किया और दो रन आसानी से मिल जाएंगे। अगले बार पर बहुत ही सामना करेंगे जुनेद हमी में नावेद नावेद नाम ले रहे थे बाबा हमें तो अक्षर बता दिया गया नाम जुनेद है जुनेद नावेद इनके बड़े भाई है। जुनेद सामना करेंगे फरमान का और ये सीधा खेल दिया कटवा को निकल कर स्ट्रेट की जानी वहां पर फील्डर मौजूद है विक्की पर लग रहा है ये भी टीम का स्कोर बढ़ गया हुआ 115 रन। अगली गेंद फरमान की सामना करेंगे फिर से जुनेद और जुनेद ने खेलना चाहते थे लेग साइड की जानी और कीपर अपील करते हुए पर हम पाने वाले हैं। अगली गेंद फरमान की सामना करेंगे जुनेद बहुत सोच समझ कर खेल ले जुनेद जो खराब गेंद आती है उसको स्टेडियम के बाहर मारते आउट भी हो सकते थे पर वहां पर भी खेल आ दिया रन आउट का चांस। एक रन लिया भैया एक टीम का स्कोर बढ़कर 118 कर रखे भैया 118। फील्डिंग सही नहीं हो रही है हैदराबाद से इनके कैप्टन शाहरुख ने बताया कुछ। अगली गेंद फरमान की सामना करेंगे फिर से जुनेद और ये खेल गया सीधा स्टेडियम की जानिब और ये रवि के सर से ऊपर तो वन निकलता हुआ गगन चुम्बी छक्का छक्का जुनेद के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा सिक्स। ये फ्लैग शॉट का कमेंट्रिंग इंडिया ये निकली फ्लैग लखनऊ से सीधी दिल्ली की तरफ और अर्शद टाइगर हमारी वीडियो बनाते हुए इंस्टाग्राम पे इनके भी 2 मिलियन है फॉलोअर। अकरम अपने कोटे का लास्ट ओवर लेते हुए अकरम दौड़ना शुरू किया विवेक के लिए और गेंद भाई सिर से ऊंची गेंद और एम्पायर ने बाउंस भी दिया और वाइड भी की लास्ट के 2 ओवर बचे 16 गेंदों में 35 रन बना चुके हैं विवेक बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। अकरम और यहां पर 22 कैप किया अकरम ने विवेक के लिए और चाल कर खेल दिया है गेंद जा रही है स्टेप की तरफ और 4 रन। बहुत अच्छी गेंदबाजी 45 रन पर पहुंचे विवेक बहुत बढ़िया था 137 रन सेकंड लास्ट ओवर प्रगति पर मुकाबला फाइनल मुकाबला कल सेमीफाइनल हुआ था केके और हैदराबाद के बीच आज फाइनल खेला जा रहा है हैदराबाद और आरसीबी के बीच। कोई ज्यादा दुख की बात नहीं है हमारे सलमान कमबैक दोनों नहीं बहुत ही अच्छी हर मैच जीतकर फाइनल खेलने के लिए पहुंची है। एक रन आसानी से पूरा कर ले रन आउट भी हो सकते थे एक रन और ले सकते हैं लेकिन आज काफी ज्यादा आगे निकल गए विवेक
सब देखेंगे ना, बड़ा छोटा सब देखेगा बोले यार। ये तो बहुत रन मारेगा, कैच छोड़ गया इसका भाई, छूट गए कहीं छूट गया, फिर लड्डू कैच तुम यहाँ का छोड़ ले हो। हेलो भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे नगटपुरी जिला मुरादाबाद यूपी क्रिकेट टूर्नामेंट और भाई नगटपुरी क्रिकेट टूर्नामेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और एक इनिंग की समाप्ति पर टोटल स्कोर अभी कमेंट बॉक्स में आपको पता चलेगा। हेलो दोस्त, ये हमारा नगटपुरी क्रिकेट टूर्नामेंट यूपी की जिला मुरादाबाद नगटपुरी। और आरसीबी का टीम का पहला ओवर लेकर आए हैं, पर ये मोहम्मद शमी के बहुत बड़े भक्त हैं, फैन। इनकी स्विंग भी देखिए, इनकी गेंदबाजी का नजारा देखिए। जुनेद गोल्डी का पूरा आज उम्मीद है कि भागी, मुझे मुश्किल लग रही है भैया। डिविलियर जब तक रहेगा, अफ्रीका का कोई खिलाड़ी रहेगा तो मुश्किल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जुनेद की Oh,
होगी। ये कुछ इस तरह की कॉलिंग करते हैं जब विवेक राबड़ी उनके भी हाथ नहीं आ रही थी इनकी गेंदबाजी, वासिम के हाथ आती है नहीं आती है इनकी गेंदबाजी। पेड़ लगाए अगले गेंद शेप की सामना करेंगे आसिम, नो बॉल और यहाँ पर एक रन काटो, नो बॉल। यही तो बात कर रही हूँ मैं। चलो भैया दौड़ना शुरू किया और